को जाना निकिबा उठक अब जा रही हूँ सर 6:30 घंटे है मदरसे को नाड़ा इतना बड़ा हो का तुझे नाड़ा बनने नहीं आता जाओ फाड़ो फाड़ो चलो जल्दी अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए चलिए देखिए ये फजर थी 6:30 बज गए थे बच्चे रेडी हो रहे हैं मदरसे जाने के लिए तो आखिर जाकर गया था नमाज इधर नहीं गया थे मैं मेहंदी कला रही हूँ इसमें अंडा फेंक कर डाल लिया था एक तो मेरे बेचारे हस्बैंड सुबह उठ कर बैठ गए थे मेहंदी नहीं लगाने कह रहे थे रात को मैंने कला कर रख दिया था तो जुल्म तो मेरी खातिर पाऊँ बेचारे लगा लिया फजर में ठंडा फुल कोल्ड होता है ठंड फुल हो रही थी तो मेहंदी और ठंडी हो रही थी कुछ बातें हुआ सुनकर लगा दूंगी अब थोड़ा सुन लेना है क्या कर सकते हैं कार तो पेन बा हाँ कहीं कपड़े इधर इसके जा जल्दी सलाम हो रहा है टाइम होगा जो बदल क्या नहीं है इसका कहाँ है टोपी वाइट टोपी उसमें कपड़े में रहेंगे कपड़े उठा लगा जा जल्दी पेन इजहान जर्किन पेन रे योय पेन जल्दी लेट ऑफ कर रहा आखिर चलो जर्किन पेन इजहान सीधा लग जा तो बच्चे मदरसे को चले गए थे मदरसा भेज दिया था 7:30 बज गए थे तो मेरे हस्बैंड को मैंने सर पर मेहंदी भी लगा दिया था तो आ गई थी मैं पराठे बनाने के लिए तो कुछ नहीं आज नाश्ते में सादा सिंपल है पराठे बना लिया था और दही काट लिया था दही पराठे खा लेंगे खाकर चले जाएंगे आज पकाने का कुछ नहीं था क्या हुआ ना आज हम सब टुंगुर जा रहे हैं हमारे खाला के यहाँ कुछ फंक्शन है छोटा फंक्शन है इसलिए जा रहे हैं इसलिए कुछ नहीं बनाया मैंने रोटी दही पराठा दे दिया था मेरे हस्बैंड को और बच्चे भी सैटरडे है हाफ डे है वही खाकर चले जाएंगे दोपहर में देखती हूँ कुछ बना लेती हूँ या बिरयानी वगैरह है गरम कर खा लेंगे देखिए आखिर मदरसे से आ गया था खेल रहा था नाश्ता नहीं करता वो सैटरडे के दिन देखिए इजहान ने एक रोटी एक पराठा खा लिया था मेरे हस्बैंड को मैं वीडियो बना रही हूँ पीछे से कह रहे थे वीडियो मत बनाओ मुझे नज़र लग जाएगी इनकी बॉडी चले जाएगी कह रही हैं नज़र लग जाएगी तो इनकी बॉडी चल जाएगी मुझे वीडियो नहीं बनाओ ये देखिए हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन में बैठे मैं और मेरा बेटा अम्मी और इजहान रामनगर का रेलवे स्टेशन पकड़ू सूरत का दिख रही है सूरत दिखने से दिखाओ दिख गई पूरी ए चॉकलेट है ना दिल्ली को जाते थे मैं भी बच्चे सुबह चॉकलेट सुबह काम है ना रे काम पड़ेगा हमें रामनगर में पैदा हुए हमें रामनगर में देखिए नाराज हो रखा है पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा था मुझसे लगे हाथ में अपनी भी फोटो दिखा रही हूँ आपको बहुत दिन हो गए थे ना तो मैंने दिखा दिया था ना खब कर दिया था मैंने वो नहीं सही है पता नहीं आपा को कह रही थी हाय बोलो हाय तो चलिए जाकर मिलती हूँ मैं हम सब 5 बजे की रेल निकले थे ट्रेन से आए थे हम 5 बजे का रेल थी 4:45 को निकले थे घर से तो ये देखिए बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है 6:30 बज गए थे बेंगलुरु आते आते रेल लेट हो गई थी तो जाकर तो ये देखिए फजर थी नमाज पढ़कर बैठी हूँ मैं बच्चे सो रहे थे रात को आए तो हम थक कर सो गए थे वीडियो बनाने का वक्त ही नहीं मिला देखिए बच्चे सो रहे हैं यहाँ इजहान सो रहा था अभी उठी भी नमाज पढ़ के अम्मी देखे बर्तन धो रही हैं किचन में शायद दिखाती हूँ आपको
देखिए क्या दूध सब बर्तन धो रहे हैं। चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। सब सो रहे थे तो मैं क्या हुआ ना, मैं हगल डाल कर चले गई थी ऊपर, तो अम्मी चीख डाल रहे थे दरवाज़ा। वीडियो बनाते बनाते मैं भूल कर हगल डाल कर चली गई थी। तो ये देखिए रात को आए थे हम, साढ़े आठ बज गए थे। तो आकर बातें वगैरह की, खाना खा कर सो गए, तो ये फजर में उठी थी मैं। तो ये देखिए बता रही हूँ मैं आपको, बस कुछ नहीं, आज की ब्लॉग में कुकिंग वगैरह कुछ नहीं था, तो हम जाए ट्रैवल सब दिखा रही हूँ। देखिए बच्चे की मस्ती वगैरह चल रही थी। तो इतना ही था आज के ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, खुदा हाफिज़। हवा जाओ ना, को कहता सुन रही नहीं है। तू सामने चल जा रहे है। बोल चल, हाँ बुक बैठे कर, चल जा रहे मामा के नारे है। चप्पल ध्यान से सुन रही है, पूरे सामान में चप्पल गवे जाती है, चप्पल हिफाजत से। एक्स्ट्रा लॉक नहीं हूँ मैं। बांध रहे हो का ना? కాంజరి సంటీన్ కొట్టుకురుకు